नासा द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे ज्यादा ताकतवर रॉकेट SLS रॉकेट होने वाला है, जो करीब 130 टन वजन अंतरिक्ष में करीब 400 किलोमीटर ऊपर ले जाने में सक्षम होगा। यह दोस्तों साल के एंड में लॉन्च करा दिया जाने वाला है। इसमें दोस्तों अंतरिक्ष यात्री नहीं बैठेंगे, पहली बार में रॉकेट खाली उड़ाया जाएगा टेस्टिंग के लिए कि रॉकेट किस तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों यह रॉकेट नया है जिसे नासा ने बनाया है। नासा ने दोस्तों इस प्रोजेक्ट में भी करीब 10 बिलियन रुपया लगा चुका है, जिसमें दोस्तों रॉकेट का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और दोस्तों इस रॉकेट की मदद से स्पेस स्टेशन बनाने की बात की जा रही है। दोस्तों अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा, स्पेस स्टेशन वाला आई बटन पर क्लिक करके देख लें। आप सभी को बता दूं, इस रॉकेट को दिसंबर में या फिर जनवरी के अंदर लॉन्च कराया जा सकता है। अभी इसकी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन दोस्तों इस रॉकेट की लॉन्च से लेकर खबर निकलनी शुरू हो गई है। इसके पास RS-25 इंजन है, जो दोस्तों काफी ज्यादा थ्रस्ट देने में सक्षम है। RS-25 इंजन लिक्विड ऑक्सीजन लिक्विड हाइड्रोजन का यूज करता है। RS-25 इंजन को दोस्तों स्पेस शटल में यूज किया जाता था, जिसके बाद अब इसे SLS रॉकेट में यूज किया जाएगा, ताकि यह काफी अच्छा माइलेज देता है। SLS रॉकेट अब तक का बनाया गया सबसे ज्यादा ताकतवर रॉकेट होने वाला है, जिसमें साइड में 2 सॉलिड बूस्टर लगे होंगे। सॉलिड बूस्टर के बारे में आप वीडियो देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। यह दोस्तों नासा एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है इस रॉकेट को, क्योंकि दोस्तों यह चांद पर जाने के लिए और मंगल ग्रह पर मिशन भेजने के लिए बनाया जा रहा है, तभी दोस्तों इससे मिशन किया जाएगा। ज़्यादा दूर जाने के लिए दोस्तों ऐसे रॉकेटों की ज़रूरत होती है जो ज़्यादा बड़े होते हैं। यह रॉकेट ज़्यादातर स्पेस स्टेशन को छोड़ने का काम करने वाला है। नासा अपना डीप स्पेस गेटवे नाम का एक प्रोजेक्ट चालू कर चुका है, जिसके दौरान दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर किया जाएगा। उसके बाद डीप स्पेस गेटवे को अंतरिक्ष में चांद की ऑर्बिट में छोड़ा जाने वाला है। वहाँ पर दोस्तों एस्ट्रोनॉट रहेंगे और साथ में वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, चांद के ऊपर माइनिंग की जाएगी और ऐसे अन्य प्रकार के प्रोजेक्ट को सफल करने वाला है नासा। पहली बार में जब दोस्तों SLS रॉकेट का लॉन्च किया जाएगा, तब दोस्तों यह चांद के चक्कर लगा लेने के बाद धरती के पास सकुशल वापस लौट आएगा। दोस्तों चांद के पास जाकर यह टेस्टिंग करने वाला है कि पूरी लाइफ जर्नी में इसके रॉकेट के अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं आई। उसके बाद अगर यह टेस्टिंग पास कर लेगा, तब दोस्तों इसे ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कराने की बात की जाएगी। तब उसमें दोस्तों एस्ट्रोनॉट को बिठाकर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, चांद पर भेजा जाएगा। सक्सेसफुल वापस लौट आएगा नासा का SLS रॉकेट का कैप्सूल मॉड्यूल। पूरा रॉकेट दोस्तों लॉन्च के बाद नष्ट हो जाता है, उसके बाद कैप्सूल मॉड्यूल जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्री मौजूद होते हैं वह वापस लौट आएगा। दोस्तों नासा ऐसे कई प्रकार के रॉकेटों के ऊपर काम कर रहा है, जो दोस्तों ह्यूमन को अंतरिक्ष में भेजने का काम कर सकें, इसलिए दोस्तों SLS रॉकेट को बनाया जा रहा है और यह दोस्तों काफ़ी जल्दी लॉन्च होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर ले। जय हिंद दोस्तों।